हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की सोशल स्टडी की वर्कशीट 27 करेंगे। इस वर्कशीट में सामाजिक अध्ययन का पार्ट 13 हम सब भारतीय हैं और पार्ट 14 पड़ोसी देश, इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश की जलवायु विविध है। भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की जलवायु पहाड़ी राज्य होने के कारण मैदानी क्षेत्रों से एकदम अलग है। इन राज्यों को 7 बहनें भी कहा जाता है। इससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बॉक्स से 7 पूर्वोत्तर राज्यों को चुनें और खाली स्थान में भरें। जो हमें बॉक्स में राज्य दे रखे हैं वो है नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें से जो हमारे 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इन्हें 7 सिस्टर यानी 7 बहनें भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर से क्या कोई तुम्हारा दोस्त है? सोचो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट है, पूर्वोत्तर के लोग कौन से पोशाक और रीति रिवाज अपनाते हैं? उत्तर है, पूर्वोत्तर के लोग फानेक, सारोंग, जैकेट, पगड़ी, मेखला चादर आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं और गरिया पूजा, काली पूजा, गंगा पूजा, चाओसांग, बिहू, थांगला आदि त्यौहार रीति रिवाज से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के लोग क्यों लंबी यात्रा करके देश के विभिन्न भागों में रहते हैं? इसका उत्तर है, ये लोग व्यापार, उच्च शिक्षा और नौकरी आदि के लिए देश के विभिन्न भागों में रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे पड़ोसी देशों के नाम उनके राजधानी के नाम के साथ लिखें। पड़ोसी देश मैंने लिखा है नेपाल, राजधानी हुई काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट पड़ोसी देश है हमारा बांग्लादेश और इसकी राजधानी है ढाका। नेक्स्ट पड़ोसी देश है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। अगला जो पड़ोसी देश है वो है भूटान, भूटान की राजधानी है थिम्पू। मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो हमारे पड़ोसी देश हुए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान। ये हमारे यानी भारत के पड़ोसी देश है। फोर्थ क्वेश्चन है, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके नीचे दिए गए कथनों के अनुसार देशों के नाम लिखे। पहला है, हिंद महासागर में अवस्थित दो पड़ोसी देश है श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है, इनके बाघ विश्व विख्यात है। कहाँ के बाघ यानी जो शेर होते हैं बाघ, वो कहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है? वो है बांग्लादेश के शेर। नेक्स्ट है, पूर्व का मोती के नाम से क्या जाना जाता है, यानी कौन सा देश जाना जाता है? श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ नदी के घास मैदानों में भेड़, बकरी और याक का पालन किया जाता है। इसका उत्तर है भूटान, भूटान में नदी के घास के मैदानों में भेड़, बकरी और याक पाला जाता है। नेक्स्ट है, विख्यात बोलंग और खैबर दर्रे यहाँ अवस्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बोलंग और खैबर दर्रे हैं। नेक्स्ट है, करनाली, कोसी और गंडक यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। कहाँ की? नेपाल की, नेपाल की नदियाँ हैं करनाली, कोसी और गंडक। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को दर्शाओ और उनके नाम लिखो। हमें मैप भी दिया गया है। तो बच्चों, मैंने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को दर्शा रखा है। बच्चों, मैप छोटा है इसलिए मैंने इसे जूम करके अच्छे से बड़ा करके पूर्वोत्तर राज्य को दिखाया हुआ है ताकि आप ठीक प्रकार से उसे भर सकें। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास फोर्थ की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 27। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियोज डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।